तो आज हम बनाएंगे चटनी, भुनेंगे कच्चे आम की चटनी, जिसमें हम सबसे पहले जीरे को भुनेंगे तवे अलग पे, करके रख देंगे, फिर हम उसको फिर भून के अलग करके रख देंगे, ठंडा होने इसको देंगे, पीसेंगे। फिर इसको पीसेंगे हम। आप देख सकते हैं गैस जल रही है और जीरा को भुना जा रहा है, धीमी आंच पे भुना जा रहा है। और दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे सरसों का तेल चढ़ाया हुआ है, जो कि आम, यहाँ पे आम हमने ले लिया है, तकरीबन 1 किलो आम है, उसको हमने छोटे टुकड़ों में काटा है। और हम इसको अब चटनी बनाएंगे, आम की सौंठ वाली चटनी। ये जैसे की चटनी बहुत ही अच्छी होती है, इसमें सौंठ बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। ये देखिए अब इसका रंग बदल रहा है, धीरे धीरे खुशबू आनी शुरू हो गई है। खुशबू आती है ना, इसको हम तलेंगे थोड़ा सा और अभी। इसको हमने कंटिन्यूसली चलाना है ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि अगर जल गया तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो गया जीरे से, जो कि फटना भी शुरू हो गया है। और ये भुन रहा है अब, एक बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है जीरे में से। लेकिन देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ चुका जीरे का, और ये धुआं भी आ रहा है। और हमने ये जीरे को हमने प्लेट में डाल लिया है, अब इसको हम ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पाउडर बनाएंगे, जो कि आपकी चटनी में पड़ेगा। और इसी बीच जो हमारा तेल था यहाँ पे सरसों का, वो गर्म हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा धुआं भी आ रहा है उसमें से। और अब हम इसमें आम डालेंगे, और ये देखिए आम हमने डाल दिया है, उसको फ्राई करेंगे हम तेल के अंदर। जो कि 1 चम्मच के तकरीबन, थोड़ा सा और डाल सकती हूँ जैसे आपको अगर पसंद है, थोड़ा सा चिंता कम, वहाँ मछली नमक थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको स्टिर करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये चिपकना शुरू हो जाता है नीचे। और आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आम थोड़ा सा यहाँ पे गलना शुरू हो गया है, जैसे हमने नमक डाला था उसकी वजह से। तो ये धीरे धीरे अब हम इसको ऐसे स्टिर करते रहेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा नीचे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर, जो कि 2.5 चम्मच के तकरीबन है। आप 3 भी कर सकते हैं, अगर आपको पेपर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो, या 2 चम्मच भी कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें ब्लैक पेपर, जो कि 1 चम्मच के अराउंड था। अब इसको हम अच्छे से स्टिर कर लेंगे, ताकि ये जो ब्लैक पेपर और वाइट पेपर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मैंगो में पूरा फ्लेवर आ जाए इसका। आप देख सकते हो ये, जैसे कि आप मतलब ये वाइट और ब्लैक पेपर अच्छे से लग गया है पूरे मैंगो में, तो ये हम
हम इसको थोड़ा सा और स्टिर करेंगे ताकि ये चिपके ना। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे जो कि एक कटोरी चीनी का राउंड हम डालेंगे। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप आधी कटोरी और भी डाल सकते हैं। और हम थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसकी वजह से हम डेढ़ कटोरी चीनी इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी छिटाएंगे हम ऊपर से, इसको अच्छे से हिलाएंगे हम, जो कि आप देखेंगे कि अब जो शुगर इसमें डाली थी हमने वो कैरमलाइज होके पिघलने लग पड़ी है। और हम इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि ये शुगर और ब्लैक पेपर अच्छे से मिक्स हो जाए। और यही आपकी चटनी की ग्रेवी होगी जो कि हम कच्चे आम की चटनी आज बना रहे हैं। और हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, एक से दो मिनट के लिए ऐसे ही स्टर करते रहेंगे हम इसको। अब जैसे कि ये सौंठ की चटनी है तो हम इसमें अब सौंठ पाउडर ऐड करेंगे चटनी के अंदर। और आप देख सकते हैं हमने एक बड़ा चम्मच पहले डाला, इसको थोड़ा सा स्टिर किया था, नहीं तो ये क्लम्प बन जाता है इसमें। तो हम इसको स्टिर करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको जिंजर का फ्लेवर बहुत पसंद है जैसे कि आप थोड़ा सा आधा चम्मच और एक चम्मच और ऐड कर सकते हैं। अगर आप लाइट पसंद है तो आप एक चम्मच में भी कुक कर सकते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और गले के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चटनी है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो आँच है वो हमने बिल्कुल धीमी रखी है ताकि ये लगे ना, नहीं तो ये चिपकना शुरू हो जाता है और ये जलना शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा आप धीमी आँच के ही पकाएं इसको, आँच मत तेज करें। आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लेवर आ चुका है और कलर भी बहुत प्यारा है। ये थोड़ा सा हाजमोला जैसा टेस्ट है और खुशबू भी ऐसी ही है। अब जो हमने जीरा पीस गरम करके फ्राई करके रखा था वो उसको हम भुना हुआ था सॉरी, तो उसको हम मिक्सी में डालेंगे और हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे उसका। ये थोड़ा सा बचा हुआ पुराना जीरा का पाउडर था जो कि हमने इसमें ऐड किया है और हम इसको शीशे में भर लेंगे क्योंकि फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको भुन के रख लेते हैं। जो जीरे का पाउडर हमने पीसा है वो अभी हम ऐड नहीं करते, जब चटनी ठंडी हो जाएगी कुक होने के बाद बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और भुना जीरे का पाउडर ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में, जब चटनी ठंडी हो तभी, ऐसे नहीं गर्म में नहीं। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी ग्रेवी बन चुकी है। अगर इन केस आपको लगता है थोड़ा थिक है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और हम इसको थोड़ी देर और कुक होने देंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बुलबुले कैसे फूट रहे हैं। हम ऐसे इसको प्रेस करके देख लेंगे बीच बीच में कि अगर ये गल चुका है कि नहीं। अगर तो मैंगो थोड़ा सा भी हार्ड है तो हम इसको कुक होने देंगे। अगर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होगा जैसे हम काटने, तो अगर सॉफ्ट हो गया होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अब ये जैसे कि ठंडा हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा हम जीरा का पाउडर ऐड कर रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा स्टिर कर लेंगे। इसमें बिल्कुल ठंडा भी ना हो, थोड़ा थोड़ा गर्म रहे क्योंकि फ्लेवर अच्छा आ रहा जीरा का उससे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक जो कि एक चम्मच के अराउंड आप कह सकते हैं, आधा चम्मच, जो कि मम्मी ने करेक्ट कर दिया मुझे यहाँ पे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चटनी बनके तैयार। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे कच्चे आम की चटनी तैयार है। और अगर आप इसको गर्म खा सकते हैं तो खा लीजिए, अगर नहीं खा सकते तो ठंडी करके बहुत ही स्वाद लगती है। थैंक यू एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम ऐसे ही और मम्मी वाली रेसिपी लेके आते रहेंगे, सीक्रेट रेसिपीज। थैंक यू, बाय बाय।